लोग केवल चेहरे से नहीं पहचाने जाते हैं, अपनी जवान से भी पहचाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के केवल एक नेता के ऐसे विचार नहीं हैं। अगर हम पुराना उठा करके देखें तो बहुत सारे नेता ऐसे मिलेंगे जिन्होंने न जाने कितनी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में उन्होंने टिप्पणियाँ की हैं। और फिर हमारा देश सेकुलर है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और लोकसभा में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, इनको हमेशा हमेशा के लिए पाबंदी लगा देनी चाहिए, पूरी पाबंदी इन पर हो जिससे कि ये चुनाव भी न लड़ पाएं, ऐसी पाबंदी लोकसभा को इनके ऊपर लगानी चाहिए। दानिश अली कह रहे हैं इस्तीफा दे देंगे हम संसद से, हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो, ये लोकतंत्र का मंदिर है और यहाँ पर ऐसी भाषा का प्रयोग। देखिए, डेमोक्रेसी और दुनिया हमारी डेमोक्रेसी को बहुत करीब से देख रही है कि हमारे देश के लोग या वहाँ की जो लीडरशिप है, जो सरकार है, वो क्या फैसला लेती है। और नई लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का ये परिचय होना, पहले तो एक महाझूठ उन्होंने पेश किया बिल के माध्यम से, और फिर उन्हीं के लीडर की ये भाषा, शायद ये नई दिशा में भारत को ले जाना चाहते हैं। हमें उम्मीद है देश की जनता देख रही है और देश की जनता इसका जवाब देगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।